अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम आपको जो डिश बनाने जा रहे हैं वो है सर्दियों की सौगात और हम सब की पसंदीदा डिश मेथी। मेथी एक बहुत ही मुफीद डिश है जो ना कि हमारे सिर्फ हाजमे में बहुत मदद देती है बल्कि हमारे पेट के लिए भी बहुत ही मुफीद होती है। तो आज हम जो सिखाने जा रहे हैं इसको आलू के साथ हम बनाएंगे मेथी आलू। सबसे पहले आप मेथी के पत्ते अलग करके इसको अच्छे से काट के धो के एक बाउल में रख लें। आधा किलो मेथी ली है हमने, आधा किलो आलू ले लें, काट लें। हमने आलू को काट के पानी में इसलिए भिगो दिया है कि आलू आयरन की वजह से काले ना पड़ जाएं। सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपीज़ की वीडियोस मिलती रहें। दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लें 3 से 4 अदद, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद काट लें, नमक हिसाब जायका, लाल गोल मिर्च ले लें 7 से 8। सबसे पहले एक पैन में आधी प्याली ऑयल डाल के इसको गरम कर लें। अब ऑयल में लाल गोल मिर्च डाल दें और इसको सुनहरा होने तक ऑयल में रहने दें। देखें हमारी जो लाल मिर्च है वो हल्की सुनहरी हो गई है, इसने अपना रंग चेंज करना शुरू कर दिया है। अब हम इसके अंदर मेथी को छौंकेंगे। साथ ही साथ आलू भी इसके अंदर हम छौंक देंगे। टमाटर हरी मिर्चें और नमक सब चीज़ों को एक साथ शामिल कर देंगे हम इसमें। अब हम इसको थोड़ी देर ढक देंगे, बिल्कुल इसी कंडीशन में हम इसको ढक देंगे कढ़ाई से। अब हम देखेंगे और इसमें हम अपना चम्मच चलाएंगे कि कहाँ तक हुआ। अब हम इसको मिक्स करेंगे। हम इसको अब दोबारा ढक देंगे आलू गलने तक और आलू गलने का वेट करेंगे 4 से 5 मिनट तक। इसको हम हीट में रखेंगे इसकी ताकि भाप में आलू गल जाए। अब हम देखेंगे आलू अगर गल गए हमारे। खुशबू तो बहुत मज़े की आ रही है और हमारे आलू भी गल चुके हैं। हमारे मेथी आलू बिल्कुल तैयार हैं, अब हम इनको सर्व करेंगे। मेथी आलू हमारे बिल्कुल रेडी हैं और हम सर्व कर चुके हैं। आप इसको जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। आप इसे बाजरे की रोटी या फिर आम रोटी के साथ भी दे सकते हैं, जो कि सर्दियों की सौगात है और बहुत ही मज़े की लगती है। हर तरह से आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये बॉयल चावलों के साथ भी बहुत ही मज़े का लगता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।